आपको नजर आएगी। कई सारे पावर स्टॉक्स गजब का मूव दिखा रहे हैं। ऐसे में गौरांग सर से जान लेते हैं, पावर पे अगर कहीं दाव लगाना है तो वो कौन सा स्टॉक होगा? गौरांग सर, कोई है क्या जियोजीत के रडार पे, आपके रडार पर? तो आशीष बापा जब आते हैं तो एक सकारात्मक सी ऊर्जा अपने भक्तों में बांटते हैं, और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के एक नहीं अनेक कारण है। पहले तो सरकार की तरफ से जो नीतियां बनी, ऊर्जा के जो दाम थे प्रति यूनिट वहां पर देखा सुधार होते हुए, ऊर्जा की जो चोरी हो रही थी वहां पर लगाम खींची गई। और एक बात, अभी अभी आप सीमेंट क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, आप रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है आशीष, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप भी मेरे से और बाकी अन्य जो मेहमान है वो भी सहमत होंगे कि रियल एस्टेट में जो सुधार हो रहा है वो सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। रियल एस्टेट में सुधार का मतलब है पेंट इंडस्ट्री में सुधार, सैनिटाइजेशन जो कंपनियां बनाती हैं उपकरण वहां पे सुधार, पाइप बनाने वाली कंपनी में सुधार, सीमेंट लोहा यहाँ सब सुधार मिलता है। और आप ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जहां पर ऊर्जा की उपलब्धि हो, तो जितने नए मकान बनेंगे या कमर्शियल स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे वहां पर आपको ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। और टाटा पावर एक ऐसा नाम है जो हमें पसंद है काफी लंबे समय से, और इसकी कवायद मुझे याद है हम 65 रुपए से हमारे चैनल CNBC आवाज पर कर रहे हैं, 130-135 के आसपास मौजूदा स्तर है। ये सिर्फ ना तो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन करती है लेकिन सोलार में भी इन्होंने बहुत बड़ा कदम रखा है, और मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में ये अच्छा मार्केट शेयर कवर करेंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी खड़े करने की बात करिए, 165 का बहुत ही न्यूनतम और मध्यम अवधि के नजरिए से हमने लक्ष्य रखा है। ये कंजर्वेटिव बात से लगा, कंजर्वेटिव टारगेट आपकी स्क्रीन पर 165 के, लेकिन इवेंचुअली शायद और भी अग्रेसिव अपमूव्स टाटा पावर का स्टॉक दे सकता है। वो सेक्टोरल उसमें मेरे डायरेक्टर साहब बता रहे थे, एक टेक्सटाइल्स बीच में मिस हो गया है आजकल, इसकी भी बड़ी चर्चा होती है, सरकार का बड़ा थ्रस्ट भी है स्पेस को लेकर, तो टेक्सटाइल की पिक, वो ईवी की बेट्स, सब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन ईवी की बेट कौन सी है? और ये आखिरी में जो अनसंग हीरोज की मैंने बात करी है।